तो गाइस वेलकम बैक, मैं हूँ मामूनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल माय वर्ल्ड मामूनी में। गाइस मैंने अपना लास्ट जो वीडियो था वो हैना पैक के ऊपर था, हैना कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या हम लगाते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ऊपर था। तो आफ्टर हैना जो है वो मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, जो ऑनियन ऑयल आपको मैंने दिया था उसी ऑनियन ऑयल का मैं इस्तेमाल करती हूँ। एंड आफ्टर दैट शैम्पू करती हूँ, तीसरे या दूसरे दिन मैं शैम्पू करती हूँ। आफ्टर शैम्पू मैं एक कंडीशनर जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास जो अवेलेबल जो क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, मैं हफ्ते में एक बार एक कंडीशनर करती हूँ या फिर दो हफ्ते में करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता है तो मैं दो हफ्ते में कर लेती हूँ। और स्पेशली आफ्टर हैना के दूसरे या तीसरे दिन में मैं कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ, वो एक कंडीशनर का। आप मार्केट से भी ले सकते हो बट एक जो है बहुत अच्छा है, मार्केट का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं हर वक्त, रोज़ या फिर टू डेज हम करते रहते हैं, पर ये एक कंडीशनर जो है वो आप हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार इस्तेमाल उसका ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा होता है बालों के ग्रोथ के लिए, बाल भी बहुत शाइनिंग होते हैं। तो गाइस मैं आज एक कंडीशनर के लिए जो इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो चीज़ों का मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी वो है एग, और उसके लिए हमें चाहिए जॉनसन्स का ऑयल, बेबी ऑयल, एंड आफ्टर दैट मुझे चाहिए पतंजलि एलोवेरा जेल। गाइस मैंने बच्चों का बेबी ऑयल इसलिए लिया है, बेबी ऑयल बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई इंग्रेडिएंट जो है ज़्यादा मिलाव नहीं होता, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी आप कोकोनट ऑयल, पैराशूट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। और सो मैंने इसका लिया, आप चाहे तो पतंजलि का जो ऑयल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवेज गाइस आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो इस कंडीशनर में, ठीक है। उसके साथ ही मैंने ये एलोवेरा जेल लिया, आप कोई कुछ भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो गाइस मैंने एक का जो है वो येलो पार्ट ऑलरेडी मैंने अलग कर दिया था, तो येलो पार्ट जो है एक का वो इस्तेमाल मत कीजिए। आप जो एक का जो वाइट या जो वाटर पर्शन होता है वही आप लीजिए प्लीज़, एकदम जेल जेल होता है आप उसी को लीजिए, और वाइट जो पर्शन है उसको आप नज़रअंदाज करें, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, देख सकते हैं अपने हिसाब से लिया है, और ये मैंने जॉनसन्स ऑयल जो है उसका भी मैंने इसमें रख दिया है। अब इन तीन चीज़ों का हम मिश्रण करेंगे। सो मैंने एक का जो वाइट पोर्शन से पानी का वो मैंने ले लिया है, आफ्टर दैट मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप एक साथ तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि तीन चीज़ों का मिश्रण अगर करेंगे तो मिश्रण अच्छे से होगा। सो मैं चाहूँगी आप एक साथ सभी चीज़ों का मिश्रण बिल्कुल ना करें। तो मैं इस तरीके से मैं इसलिए ये इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ कि इससे बहुत अच्छा मिश्रण हो जाता है। तो इसके आप अच्छे से मिश्रण बनाइए, आफ्टर दैट उसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक उसको ऐसे मिश्रण कीजिए ताकि ऑयल और एग का जो पोर्शन है वो अच्छे से मिल जाए, ओके। देखिए ऐसे ही आपको बुनबुना सा नज़र आएगा, ठीक है, जैसे सर्फ पानी में डालने के बाद होता है बिल्कुल ऐसे निकल आएगा आपका। उसके बाद कम से कम 2-3 मिनट तक हिलाने के बाद आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। देखिए गाइस मैंने पूरे एलोवेरा जेल ले लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इस मास्क का आई मीन ये कंडीशनर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको एक मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट ऑयल, ऑयल के बिना अगर आप चाहो तो एलोवेरा जेल के साथ एक का वाइट पोर्शन सब मिला के मास्क के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गाइस अगर आप चाहो इसमें जो नयन तरह हमारे फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर के पत्ते जो है उसको पीस के उसके आधार से उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहे तो ठीक है, मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं दिखा दूँगी कैसे नयन तरह के जो फ्लावर्स होते हैं फुल होते हैं उससे भी हम बालों में किस तरीके से काम आते हैं, इसके से इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के लिए। तो गाइस इसको पूरे आपको अच्छे से मिलाना ताकि ये जो है वो अच्छे से मिल जाए, और आपका एलोवेरा जेल मिलाने के बाद जो है ना एक का जो येलो पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही येलो थोड़ा सा येलो बन जाएगा, इतना येलो तो नहीं बनेगा बट हाँ हल्का येलो बन जाएगा क्योंकि एलोवेरा जेल इसमें मिक्स्ड होता है, ठीक है। ये हमारा जो है वो जेल बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे इसको इसमें ले लेंगे क्योंकि इससे हमें लगाने में थोड़ा सा आसान होगा।
गाइस आपको ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि ऑयल ज़्यादा ना दे और वो ज़्यादा पतला बिल्कुल ना बने, इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशनर ज़्यादा अगर पतला हो जाता है तो आप अच्छे से लगा नहीं पाओगे। और ज़्यादा पतला होना भी नहीं चाहिए, अपने बालों के हिसाब से लीजिए और गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपको एक दो चाहिए तो प्लीज़ दो एक का इस्तेमाल कीजिए, मैंने एक किया क्योंकि मेरे एक एक से हो जाता है। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको लगाने के तुरंत बाद बाल मत धोए, आप इसको लगाइए कम से कम 15 मिनट तक उसको रखिए, और हो सके तो इसमें मैसेज कीजिए। अगर आप मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बिना मैसेज किए आप उसको लगा के छोड़ दीजिए। और अगर मैसेज कर पा रहे हो, आप अवेलेबल हो, टाइम है आपके पास, देन आप उसका अच्छे से मैसेज कीजिए। और स्कैल्प पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो बाल हमारे नए उभर के आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा ग्रो होता है और शाइनिंग बहुत अच्छा होता है। आप लगाने के तुरंत जब आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप बालों को धोएंगे, आप खुद देखिएगा बालों पे बहुत अच्छा शाइन आपका आएगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा सो गाइज आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड बाय बाय, टेक केयर।